दोस्तों मैं विकास कोहली भाई साहब यूट्यूब पे अपना सेकंड पोस्ट मैच एनएसटी वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों जो पोस्ट मैच एनएसटी वीडियो है वो दोस्तों बढ़िया वीडियो है। क्यों बढ़िया भाई साहब? डैनियल मेडवेडेव अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए और भाई साहब इंडियन वेल्स में क्वार्टर फाइनल में स्ट्रेट सेट्स में फिनिश किया और पहुंच गए हैं। और उनका मैच था भाई, बढ़िया प्लेयर थे जिन्होंने पिछली बार उन्हें हराया था, उनसे बदला ले लिया है और मैच जीत लिया है। मैं बता रहा हूँ, ATP रैंकिंग नंबर 13 के खिलाड़ी ग्रिगर डिमिट्रोव अच्छे प्लेयर हैं, बुल्गेरिया के प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस अच्छी भी देते हैं। 3 मैचेस जीत चुके हैं बट मेडवेडेव से ये मैच नहीं जीत पाए। फिलहाल दोस्तों ATP रैंकिंग 4 वर्सेज ATP रैंकिंग 13 के बीच में मैच था। एनालिसिस में बढ़ने से पहले भाई, जो पहली बारी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जिसने नहीं क्लिक किया वो क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलते रहे पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्रॉड से रिगार्डिंग। फिलहाल दोस्तों पहले सेट की बात की जाए तो भाई साहब पहले सेट की बात, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, 1-1 रहा, 2-2 रहा। उसके बाद सर्विस गेम तो ब्रेक की, मेडवेडेव ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। ग्रेगर डिमिट्रोव को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक पैच जो कि नहीं हो पाया ये सेट में। और इसी तरह पहला सेट मेडवेडेव ने अपने नाम किया 6-4 से। भाई साहब बढ़िया प्रदर्शन किया, वो चाह रहे होंगे कि भाई ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू रहे सेकंड सेट में। दूसरी ओर डिमिट्रोव चाह रहे होंगे भाई साहब मुझे परफॉर्मेंस और अच्छी बतानी पड़ेगी जैसे पेरिस मास्टर्स में बताई थी। सेकेंड सेट की शुरुआत देखो 1-1 हुआ, फिर सर्विस गेम ब्रेक की भाई साहब डैनियल मेडवेडेव ने, फिर डिमिट्रोव ने तुरंत ब्रेक बैक की तो 2-2 बराबर हो गया। पहले यह था डिमिट्रोव बहुत पीछे हो जाएंगे ये मैच में, बट डिमिट्रोव ने वापसी की ये सेट में और मैं ये वाले सेट में वापसी कर ली। तो लग रहा था कि मैच भी थोड़ा और स्पाइसी हो सकता है और थर्ड डिसाइडर सेट तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं देखने को मिला। क्यों? मेडवेडेव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 3-3 हुआ, उन्होंने भाई साहब सर्विस गेम डिमिट्रोव की ब्रेक की, 4-3 किया अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 5-3 किया, फिर डिमिट्रोव ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 4-5 किया और सर्विंग फॉर द सेट एंड मैच करवा रहे थे। तो तभी ये सेट और मैच जीता 6-4 से। सेकेंड सेट जीता और पहला सेट भी 6-4 से नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। नेक्स्ट राउंड में जो मैच होगा उनका टेलर फिट्स या होल्डर, उनमें जो जीतेगा वो होगा उनका जो मैच होगा वो होगा मैच फ्रिट्स से नहीं हो रहा। लग रहा था मुझे कि फ्रिट्स जीतेंगे क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी लोकल टूर्नामेंट था, मतलब लोकल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि होम ग्राउंड पे मैच था, USA के प्लेयर है, बट जीते हैं तो रूम के साथ मैच हो रहा, वो भी मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा हमें दोस्तों। फिलहाल दोस्तों स्टैट्स की ओर बढ़े तो मेडवेडेव ने भाई साहब इस मैच में AC लिए 5, दूसरी ओर डिमिट्रोव ने 4 AC लिए। डबल फॉल देखा जाए भाई साहब मेडवेडेव ने 2 किए, डिमिट्रोव ने डबल फॉल ज़्यादा किए जो कि अच्छा नहीं था, 5 डबल फॉल किए। ब्रेक पॉइंट्स दोनों ने 50% सेव किए बट ब्रेक पॉइंट्स ज़्यादा मेडवेडेव ने लाए। मेडवेडेव ने 3 बार उनकी ब्रेक की सर्विस गेम, डिमिट्रोव ने 1 बार सर्विस गेम ब्रेक की। मेडवेडेव ने 6 बार ब्रेक पॉइंट लाए उसमें से 3 बार कन्वर्ट कर पाए, दूसरी ओर डिमिट्रोव ने 2 ही बार लाया जिसमें 1 बार कन्वर्ट कर पाए। इसी की वजह से डैनियल मेडवेडेव ये मैच जीते और डिमिट्रोव हारे हैं। तो डिमिट्रोव चाहेंगे कि भाई अगले मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहे और ब्रेक पॉइंट ज़्यादा लाए जाएं और ज़्यादा कन्वर्ट किए जाएं, और मेडवेडेव चाहेंगे उनका दबदबा ऐसे ही बना रहे क्योंकि मैं खुद ही चाहता हूँ एज ए मेडवेडेव फैन की भाई साहब कोई तो भाई ऐसा जल्द से जल्द टूर्नामेंट हो कि वो मल्टीपल टाइम जीते। अभी वो 20+ टाइटल जीत चुके हैं बट सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में जीते हैं, कोई भी टूर्नामेंट सेकंड टाइम नहीं जीते हैं। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जीते ऐसा जल्द से जल्द हो। फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।